सोचिए आपके इंस्टाग्राम पर अचानक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई का मैसेज आए और कैब के लिए आपसे 500 रुपए मांगे तो आप क्या करेंगे। ये सोचने वाली बात नहीं है। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, एक स्कैमर ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम लेकर एक वकील से पैसे मांगे हैं। इसका स्क्रीनशॉट वकील ने एक्स पर शेयर किया। इस घटना के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने मामला दर्ज किया। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरा घटनाक्रम। मिली जानकारी के अनुसार एक एक्स यूजर के पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, हेलो, मैं सीजीआई हूं और हमारे कोलोजियम की तत्काल बैठक है और मैं कैनॉट प्लेस में फंस गया हूं। क्या आप मुझे कैब के लिए 500 रुपए भेज सकते हैं? अदालत पहुंचते ही मैं आपको ये रकम वापस कर दूंगा। ये मैसेज सेंट फ्रॉम आईपैड के साथ खत्म हुआ। मैसेज भेजने वाले की तस्वीर में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ही तस्वीर दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कराया मामला। इस धोखाधड़ी की खबर सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और ठग की तलाश भी हो रही है। बता दें, साइबर ठगों के हौसले कितने बुलंद हो गएंगे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के हर हिस्से से ठगी की खबर आए दिन सामने आती रहती है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 23 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुए हैं। इस दौरान यूपी में 2,00,000 लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ। साइबर ठगों ने इस दौरान यूपी में 721.1 करोड़ रुपए की ठगी की है। तो ये थी साइबर क्राइम से जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको कैसे लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।